सिवनी वन विभाग को इस वक्त बड़ी सफलता मिली जब वन विभाग की टीम ने आदेगांव नगर निवासी नानू नेमा के घर सर्च वारंट के साथ छापा मारा। वन विभाग के अधिकारियों ने सर्चिंग के दौरान पाया कि नानू के निर्माणाधीन मकान में सागवान की अवैध लकड़ियां जंगलों से काटकर लगाई गई है और वहां रखी हुई बेशकीमती लकड़ियों को अधिकारियों ने जब्त कर प्रशासनिक कार्यवाही की। कुछ समय पहले भी इसी जगह पर छापा मारा गया था लेकिन स्टाफ की कमी के चलते कार्यवाही नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने वन कर्मियों के साथ हाथापाई भी की जिसके चलते डिप्टी रेंजर के सिर में चोट आ गई थी। रेंजर की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।